नमस्कार मित्रों, मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल पर। आप सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैप सीरीज, आप सभी के लिए लेके आया हूँ और बिल्कुल इजी मेथड से आप सभी को सिखाऊंगा कैसे मैप बना सकते हैं आप याद करने के लिए और कैसे माउंटेन रेंजेस उसमें हम शो कर रहे हैं। तो आप माउंटेन रेंजेस देखिए, इंडिया की प्रमुख माउंटेन रेंजेस, कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले देखिए मैप कैसे बनाते हैं, ये इजी वे है मैप बनाने का। आपको ये देख रहे हैं आप गुजरात का हिस्सा, ये नीचे से यहां तक जाएगा कन्याकुमारी तक और उसके बाद ये ऊपर से ये आप देख रहे हैं ये आ रहा है यहां पे, ये सिक्किम का हिस्सा और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट और ये होते हुए ओडिशा वेस्ट बंगाल से लेकर और नीचे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये पूरा बन चुका है। तो अभी आप में इसको इस मैप को डिस्कस कर लेता हूं मैं। ये इंडिया का प्रॉपर मैप तो नहीं बोल सकते पर एक आपके लिए इजी मेथड हो सकता है याद करने के लिए। इस मैप में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ जगह बता रहा हूं, शो कर रहा हूं जो हमारे इंडिया का मैप तो है ये पर उसमें वो चीजें शो नहीं हो पा रही है। जैसे कि आपको पता है कि ये आप देख रहे हैं ये हिस्सा हमारा चीन से लगता हुआ है और यहाँ पे अक्साई चीन एरिया जो कि चीन के कब्जे में है, वो हमारे पास नहीं है, भारत के पास नहीं है। इधर ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, अक्सर मुठभेड़े और सेना के वहां पे ऑपरेशंस चलते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरिया पाकिस्तान से टच है, यहाँ पे हमारी पूरी बाउंड्री ऊपर से टच हो रही है और 106 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर हम अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे पड़ोसी देश नेपाल है, ऊपर चीन है, इधर तिब्बत है और यहाँ पे हमारा बांग्लादेश था जिसको हम ईस्टर्न पंजाब के ईस्टर्न पंजाब उसके पाकिस्तान के नाम से जानते थे जो कि आजाद भारत के द्वारा कराया गया था। तो मित्रों चलते हैं और एक मित्रों मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा। एक ही क्वेश्चन कई बार आ जाता है हमारे कंपटीशन क्लासेस के जो एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कि हैंड द नेक, हैंड द नेक मतलब ये जो सिक्किम का उठा हुआ हिस्सा है ये एक मुर्गे की नाक की तरह है जिसको हैंडनेक के नाम से भी कई बार ज्योग्राफी में जो साइंटिफिक आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं माउंटेन रेंजेस। तो हम नॉर्थ टू साउथ चलेंगे फिर वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, ओके। तो अब देखिए पहले जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं फर्स्ट वो है कश्मीर में हम देखेंगे कश्मीर रीजन के अंदर जो पहाड़ियां हैं। तो एक ट्रिक है मित्रों इसके लिए, कल के एल जब दिनेश सिंह, कल जब दिनेश सिंह ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रिक है, कराकोरम लद्दाख झास्कर पीर पंजाल और ये आपका धौलाधार और शिवालय, ये आपकी छह माउंटेन रेंजेस है जिनको मैं इस पे उतारने वाला हूं। ये नॉर्थ टू साउथ हैं और आप ध्यान से देखें तो जो सबसे फर्स्ट रेंज है ये हमारी कराकोरम रेंज है, इधर यहाँ पे जहां पे हमारा K2 भी स्थित है और यहाँ पे सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन बेस कैंप हमारी इंडियन आर्मी का यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद एल यहां से है लद्दाख रेंज, तो लद्दाख रेंज है बिल्कुल ये आप देख रहे हैं चीन के साथ सटा हुआ है, अक्साई चीन एरिया के पास लेह लद्दाख। तो ये झास्कर, झास्कर यहाँ पे है मित्रों, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सीक्वेंस में नीचे की ओर आ रहे हैं हम। और पीर पंजाल, पीर पंजाल है ये कुछ हिस्सा इसका उत्तराखंड में है, कुछ कश्मीर में, कुछ हिमाचल में भी आ रहा है तो आप जानते होंगे तो हिमाचल में इसके आ रहे हैं। उसके बाद है धौलाधार, इसको नागदीबा भी बोलते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में वैसे ये जो धौलाधार की पहाड़ी है उत्तरांचल और हिमाचल दोनों में है, उत्तरांचल में इसका नाम नागदीबा और हिमाचल में इसको बोलते हैं धौलाधार। तो ये आप देख रहे हैं ये धौलाधार है। तो उसके बाद है शिवालिक रेंजेस, ये बिल्कुल जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि लोअर हिमालय की रेंजेस है जहां से हमारे हिमालय की शुरुआत होती है। ये कुछ पहाड़ियां इसकी पंजाब हरियाणा में है, कुछ मोरनी हिल्स आसपास है यहाँ पे, इनको बोल सकते हैं शिवालिक है जो कि पिंजौर एरिया में है ये। और अब मैं आपको ये तो आपने देख ली तो ये अब मैं दोबारा से इनको नेम कर रहा हूं, आप प्लीज देख लीजिए, ये है काराकोरम लद्दाख झास्कर ये जे बोलेंगे इसको, पीर पंजाल और ये धौलाधार शिवालिक। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें हमारा हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन बेस कैंप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लद्दाख एरिया है लेह लद्दाख, ये झास्कर है और ये पीर पंजाल है और ये धौलाधार है जिसको कि उत्तरांचल में नागदीबा भी बोलते हैं और ये शिवालिक रेंजेस हैं।
तो ये तो जैसे आपने देखा कश्मीर रीजन की जो पहाड़ियां थी। अब आपको इंडिया की ओल्डेस्ट पहाड़ी से अवगत करवाता हूं, जो कि मित्रों आप सभी वैसे तो जानते ही होंगे, वो है अरावली, द ग्रेट अरावली, जो कि राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से से होती हुई और ये दिल्ली में जो जिसे आप बोलते हैं ना रायसेना हिल्स, वहां तक इसकी पहाड़ियां फैली हुई है। ये रायसेना हिल्स है जहां पे हमारा राष्ट्रपति भवन है, जो आप देखते हो ऊंचाई पे गाड़ियां जाती है, वो यही है जहां पे कई बार रिट्रीट सेरेमनीज वगैरह होती है गवर्नमेंट की। तो ये हमारा वो एरिया है और ये ओल्डेस्ट रेंजेस है इंडिया की, ओल्डेस्ट जिसको बोल सकते हैं। तो अब नीचे की तरफ चलेंगे तो यहां पर फेमस सतपुरा हिल, जो कि नर्मदा और तापी रिवर के बीच में है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सतपुरा हिल्स, अब मैं इनको नेम कर रहा हूं, प्लीज देख लीजिए आप, ये अरावली है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये बीच में सब टूट चुके क्योंकि बहुत ओल्डेस्ट, बहुत से मतलब कि जियोग्राफिकल चेंजेस हमारी कंट्री पे डेली टू बाय डे बाय डे हो रहे हैं, तो उस वजह से इसका मतलब कि जो है डिग्रेडेशन हो रहा है लगातार। और ये देख रहे हैं आप सतपुरा रेंजेस है, ये मध्य प्रदेश में है। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं ये हिस्सा हमारा, इसको वेस्टर्न घाट्स के नाम से पश्चिमी घाट जो बोले जाते हैं, ये वो रेंजेस हैं, ये आपको मैं यहां से बता रहा हूं, ये पूरी इधर तक जा रही है, इस पे तीन पासिस भी हैं क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना, वो जगह जगह पे तीन पासिस दिए हुए हैं। और ये भी ओल्डेस्ट रेंजेस हैं और ट्रॉप एवरग्रीन यानी कि सदाबहारी जो वो है वन क्षेत्र है, वो यहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होती है यहां पे इंडिया की, तो इसका नाम है वेस्टर्न घाट्स, ये आपको बता दिया मैंने वेस्टर्न घाट्स। तो आप देखते हैं इधर की तरफ, ये है ईस्टर्न घाट्स, ये थोड़ा सा बीच बीच में टूटा हुआ भी है यहां पे, तो ये टूटा हुआ है बीच में थोड़ा बहुत, पर ये कंप्लीट नहीं है, ये वेस्टर्न घाट्स की तरह सॉलिड भी नहीं है, बहुत से सी वेव्स आने की वजह से बहुत सी चीजों से ये मतलब कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और आपने सुना होगा राजमहल हिल्स, कई बार छोटा नागपुर प्लेटू या डेकन प्लेटू के बारे में साथ आ जाती है, राजमहल हिल्स हैं ये, ईस्टर्न घाट्स थे हमारे, ये ईस्टर्न घाट्स, ठीक है मित्रों। तो जैसा आप देख रहे हैं, और ये हमारा राजमहल हिल्स है, ये राजमहल हिल्स है, ये आप देख रहे हैं ये राजमहल हिल्स है हमारे, ये आप बोल सकते हैं कि कुछ झारखंड बिहार के टच हैं, ठीक है। तो और अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन भारत की शान जो पहाड़ियां हैं उनसे अवगत कराने जा रहा हूं, ये है मित्रों गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी, गारो खासी और जयंतिया, ये जो पहाड़ी है मित्रों ये भारत की वो पहाड़ियां हैं जहां पर मौसिनराम एक जगह स्थित है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है यहां पर, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा, पर अभी इस पे हम गौर न करें। तो ये तीनों पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतिया, इन पहाड़ियों का जो नाम है वो वहां की वनवासी प्रजाति के ऊपर है, आदिवासी जनजाति है, गारो भी है खासी भी है, तीनों एक आदिवासी जनजाति है। अब मैं आपको दिखाता हूं और पहाड़ियां जो नॉर्थ ईस्ट में है, ये अरुणाचल में है, यहाँ पे पटकाई, पटकाई भूम के नाम से इनको जानते हैं ये जो है, तो ये हमारी रेंजेस है पटकाई भूम। उसके बाद है यहाँ पे नागा हिल्स, ये नागा हिल्स है मित्रों, और बहुत ही फेमस वेस्टर्न वो है ईस्टर्न। तो अब ये आपने देख चुके हैं कि आप ये बहुत बढ़िया बन चुका है। अब उसके बाद ये मुख्यतः यही है जो हमारे पेपर्स में आती है या जो हम पढ़ते हैं, ये आपको मैं प्लस वन नाइन्थ टेंथ और प्लस टू की ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी बुक्स है उनका सार बता रहा हूं, उसके अंदर ये है सेकेंड चैप्टर है प्लस वन प्लस टू के ज्योग्राफी में, जो मित्रों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, वैसे ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। और मैं अब आपको कुछ रेंजेस बता रहा हूं जो इंडिया की रेंजेस है उनके बारे में आप देखिए, यहां पर है के टू बॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, पीओके, और है तो ये इंडिया में पर ये पीओके क्षेत्र के पास है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची कश्मीर रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक है ये, तो इसका नाम है, मैं आपको लिख देता हूं इधर इसका नाम है, ये इधर फर्स्ट नाम लिख रहा हूं, ये आपके पीक्स हैं इनका नाम लिख रहा हूं, तो ये हो गया आपका K2, ठीक है। तो मित्रों जो K2 की ऊंचाई मैं आपको बता रहा हूं वो है
8611 मीटर्स, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 8611 मीटर्स, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे है नंदा देवी, यहां पे नंदा देवी, वो आपने देखा होगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क भी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 3161 मीटर, ओके फ्रेंड्स। तो ये इसकी हाइट है, इसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये है हमारा नंदा देवी, NANDA नंदा देवी, ओके मित्रों। तो ये हो गया, और इसकी हाइट भी मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, 3161 मीटर, ओके। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो दो रेंजेस हो गई, और जो कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है उसके बारे में बताता हूं, वो यहाँ पे नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है, और जो बोलते हैं लोग माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय का हिस्सा पर नेपाल में है, भारत में स्थित नहीं है, भारत में कंचनजंगा है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पे, ये कंचनजंगा, इसकी जो हाइट है वो है 8586 मीटर, याद कर सकते हैं आप, 8586, इससे आपको हेल्प मिलेगी, ये 8586 मीटर इसकी हाइट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाईएस्ट रेंज ऑफ द इंडिया बोल सकते हैं इसको, अरे है। तो ये हो गया, अब दो साउदर्न उनका बता रहा हूं मैं आपको, एक है डोडा बेटा, ये नीलगिरी हिल्स, आपने नाम सुना होगा नीलगिरी की पहाड़ियां, तो ये काफी फैली हुई है, और मतलब कि हरा वन क्षेत्र है ये सारा, तो ये है, तो इसमें हम देखते हैं इसकी हाइट है 2668 मीटर्स अप्रोक्सीमेट हो सकता है, ये ऊपर नीचे बहुत से रिकॉर्ड्स में ये चेंज वगैरह होता रहता है, तो इसकी ये हाइट है, ये है डोडा बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं, तो आप जरा देख लीजिए, ये डोडा बेटा पीक है, और ये फिफ्थ में मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका अब जो है ये है अन्ना मुदई, अंडी मुदई जो पहाड़ी है उसका सबसे हाईएस्ट पीक है, अन्नी मुदई नीलगिरी हिल्स में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, साउथ का एवरेस्ट भी कई बार इसको हम लोग बोल देते हैं, इसकी हाइट है 3598 मीटर्स अप्रोक्स, ओके। तो ये इसकी हाइट है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने इसमें बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस बता रहा हूं, माफ कीजिएगा ये थोड़ा समय रिलेज करना पड़ेगा यहां से, ये राजमहल एक बार आप लिख लीजिएगा, तो ये बता रहा हूं मैं, तो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जिसको हम बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, ओके फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल है ये, तो बे ऑफ बंगाल है, यहां से जो हमारा मानसून आता है, वो आता है बिल्कुल, अब ये लास्ट आपका एक मिनट लेंगे हम, और ये बिल्कुल आपका कवर कर देंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा मॉनसून कैसे इंडिया में प्रवेश करता है उसके बारे में बता रहा हूं, जल्दी से आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। तो मित्रों यहां से हवाएं उठती हैं, ये 45 डिग्री टू 60 डिग्री लेटिट्यूड, जो कि हमारा मडागास्कर साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा अभी वो कॉन्टिनेंट है, पानी में आइलैंड है, वहां से मडागास्कर से टर्न हो जाती है, और ये हवाएं ऐसे चलने लगती हैं, ये यहां पे, और ये कुछ होती हैं जो सीधी निकल जाती हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, फिर ये कुछ आती हैं जो अरावली से टकरा जाती हैं, ठीक है। तो मित्रों ये सर्कुलर रहता है हमारा, ठीक है, वेस्ट से कंट्री की तरफ चलता है, इंडिया की तरफ चलता है। अब ये जो हवाएं हैं ये यहां पर वेस्ट घाट से टकरा के बहुत सारा बारिश कर देती हैं, ठीक है, तो ये आप बता रहे हैं, और ये सीधा चला जाएगा, और इधर से ये आपको जो गारो खासी जयंतिया का इसका मैं बता देता हूं, ये हवाएं यहां से चलती हैं जो लो प्रेशर होने के कारण ये यहां पे बारिश करती हैं, और एक इसकी जो स्ट्रीम है वो इधर चली जाती है, एक इधर वो बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है, बाद में घूम के तो म्यांमार की तरफ। तो ये है, ये हम आप देख सकते हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास को सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।